हेलो गाइस, बोडा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग हिस्ट्री का पेपर दे के आ गए हो, आर्ट्स का, हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कोई किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उसका आंसर क्या होगा, है ना। आप लोग मैच कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि कितने मार्क्स आपके बने हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन था वो भी पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। फर्स्ट का थ्री ऑप्शन सही हो जाएगा, रावी। क्या हो जाएगा? रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पूछ रहा है कि द विक्टोरिया टर्मिनस इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा सेकेंड का आपका? फर्स्ट हो जाएगा आपका नव गॉथिक शैली, है ना, नव गॉथिक शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा 1336 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है वेयर वाज महावीर बॉर्न। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फिफ्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। आप लोग का कहीं पे वैसा दिया नहीं है, लेकिन चलिए थ्री ऑप्शन में देखिए वैशाली कुंडल गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है एंगर सिस्टम वॉज एसोसिएटेड विद। एंगर जो व्यवस्था थी संबंधित है किससे हो जाएगा? सिक्स का थर्ड हो जाएगा आपका विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन के आप लोगों को पूछ रहा है कि बोलता है हु वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोलता है ना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्या हो जाएगा सेवेंथ नंबर का आंसर आपका? क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। ये देखिए आप लोग को यही मैं बोलता हूँ ना कि जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो करवा किया कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे इसमें से करवाए थे हमने, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आ गए हैं। विजयनगर नगर के बारे में हम लोग आपको बताए थे कि कोई भी एम्पायर जो है फाउंड कब किया गया है, मतलब कब उसको खोजा गया है, कब उसका स्थापना हुआ, ये जरूर करना है। और शासक का नाम किसने स्थापना किया, तो देखिए एक क्वेश्चन तो उसी से मिल जाता है। तो अगर आप कुछ ट्रिक से काम करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी तरह से मिल जाते हैं, है ना। हड़प्पा नदी किसके किनारे स्थित है, तो ये तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था कि महावीर और एंड क्या बोलते हैं बुद्ध, भगवान बुद्ध और महावीर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुए, और सारा चीज़ मैंने आपको बोला था कि इनके रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, बचपन का नाम भी क्या था। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी भिड़ गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन एंगर सिस्टम वाला भी हमारे मॉडल पेपर से ही करवाया हुआ था। तो इसलिए मैं जो मॉडल पेपर करवाता हूँ ना, तो मैं स्मार्ट तरीके से इसलिए आप लोग को पढ़ने बोल रहा था। कम से कम तो 10 नंबर उससे आप कम से कम एकदम आसानी से कन्फर्म कर लेते हो, बाकी आप लोग जो करना है जो करते ही है। तो इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करना और चालाकी से काम करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं मिला के। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सब चारा चीज हो जाएगा। सेवेंथ नंबर देखिए, आगे का पेपर इसी तरह से दीजिए। हु वाज द परमानेंट, मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, और सच्चिदानंद आप लोग को मैंने बताया था कि परमानेंट नहीं थे। चलिए हु इज़ द विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन कि नेशनल एंथम मतलब कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा नेशनल एंथम दिया हुआ है, सॉन्ग नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो क्या हो जाएगा आपका एट्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर, जनगण मन अधिनायक, है ना। राष्ट्रीय गीत पूछता तो हो जाता, नेशनल सॉन्ग हो जाता वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, देख लीजिए आप लोग हमारे मॉडल पेपर में। मैंने बताया था आईने अकबरी या अकबरनामा दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल। नाइन्थ का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अकबर के क्या थे, नवरत्नों में से एक थे। ये मैंने आप लोग को करवाया था। तो सब बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए आए हुए हैं, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये भी मैंने करवाया है, जाके देख लीजिए मेरे मॉडल पेपर में, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था। जो भी बच्चे किए होंगे आज खुश हो गए होंगे। तो देखिए टेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, टेंथ का आपका सेकेंड हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार की प्रांतों का उल्लेख है। हाउ मेनी प्रोविंसेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका। क्या हो जाएगा इलेवेंथ का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा आपका पाँच। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा पाँच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में बोलता है द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। बोलता है भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है किस देश से ली गई है। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। 12 नंबर सेकेंड हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए था, संसद प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। 13 नंबर विच रूलर स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा, अजात शत्रु।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सभी का फाउंडर मैंने याद करने के लिए बोला था, यही क्वेश्चन आ गया है। तो आप समझ सकते होंगे कि राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक कौन थे, तो क्या हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। तो 14th का थ्री नंबर सही हो जाएगा, 14th का। अब 15 देखिए, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द सोसाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आप लोग को करवाया हुआ है, वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो 15 का आपको क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, मातृसत्तात्मक। हु स्टार्टेड द धम्म पॉलिसी, धम्म पॉलिसी किसने शुरू किया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आप लोगों को करवाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 16th का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, अशोक ने, राजा अशोक ने। चलिए, वेन वाज गेटवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड, गेटवे ऑफ इंडिया कब कंस्ट्रक्ट करवाया गया, बोलता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो क्या हो जाएगा, 17th का आपका ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, 1911 ईस्वी 17 का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर में देखिए, व्हाट वाज जीतल, जीतल क्या था, तो क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, सिक्का था, जीतल क्या था, सिक्का। चलिए आगे देखिए, व्हेन डिड द जो बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध है ना, ये पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि युद्ध से रिलेटेड आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया ना कब हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ के गए होंगे। फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा 1757 ईस्वी 19 का 1 हो जाएगा, 19 का 1। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हु रोट द महाभारत, लेखक का नाम मैंने बोला था ना कर लेने, देखो वो भी आ गया। 15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आसानी से वेद व्यास हो जाएगा। आयन अकबरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, आयन अकबरी कितने भागों में बांटा गया, ये क्वेश्चन भी शायद हमने करवाया हुआ था, आयन अकबरी कितने भागों में विभाजित है, तो क्या हो जाएगा, 21 का आपका आंसर नंबर 3rd हो जाएगा, 5 भागों में, क्या हो जाएगा, 5 भागों में, ठीक है। हु वाज द लोकल मदर गॉडेस ऑफ विजयनगर, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी, तो क्या हो जाएगा, 22 का 2nd नंबर, पंपा देवी, क्या हो जाएगा, 22 का 2, पंपा देवी। दामिने को नॉनेज, बहुत ही आसान क्वेश्चन करवाया हुआ है, दामिने को कहा जाता है, 23rd का आंसर क्या हो जाएगा, 23rd का 2nd हो जाएगा, पहाड़िया क्षेत्र, क्या हो जाएगा, 2nd, पहाड़िया क्षेत्र, 23rd का 2nd। विच फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्राइब्ड अबाउट द सती ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, बोलता है किस भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है ना, किया है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का 1st हो जाएगा, फ्रांस ऑफ बर्नियर, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि कर लेने। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी, तो 25 का क्या हो जाएगा, 2nd। अब देखिए 26 में पूछ रहा है, वेयर वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज इस्टेब्लिश्ड, बोलता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई, 26 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा, मद्रास में। आगे देखो, विच प्रिंसली स्टेट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बाई ऑपरेशन पोलो, है ना, 27th नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। 27th का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हैदराबाद। आगे देखिए, हु वाज कंसिडर्ड एज द लास्ट विशनरी वायसराय ऑफ इंडिया, लास्ट वायसराय कौन बना था वो पूछ रहा है, रुकिएगा यहीं पे, है ना, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है, तो 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय, तो अंतिम और शुरू हर चीज़ का याद रखना चाहिए था, है ना। तो ये देखिए, वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। 28 का 2nd हो जाएगा, डॉक्टर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भी बोले जाते हैं कि थे जनरल गवर्नर, तो लास्ट वॉइस रहे थे, ठीक है। 29 में हु हैज़ गिवन द स्लोगन डू और डाई, किसने बोला करो या मरो, तो ये नारा आप लोग बहुत फेमस है, आप लोग स्कूल में भी बोलते हो, 29 या 3 कॉलेज में भी बोलते हो, महात्मा गांधी ने दिया था, क्या हो जाएगा, 29 का 3, करो या मरो। आगे देखिए, विच इज नॉन एज द ब्लैक लॉ, है ना, काला कानून के नाम से कौन जाना जाता है ना, काला कानून के नाम किसे कहा जाता है, तो 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर, रॉयल एक्ट, इसी के अगेंस्ट में विरोध हुआ था। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो क्या हो जाएगा, 31st का सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, आप लोगों को पता होगा 31st का 4 हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया, उसके बाद डच आए थे शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन हुज पीरियड मुगल पेंटिंग रीच्ड एट द क्लाइमेक्स, है ना, 32 में पूछ रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर थी, तो 32 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा, जहांगीर पेंटिंग को बहुत पसंद करते, ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, वही क्वेश्चन डिटो आ गया है 32 में, पेंटिंग से इनको प्यार था। आगे देखिए, त्रिपिटक लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, 33 का आपका आंसर नंबर 1st सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म, क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, 33 का 1st बौद्ध धर्म। आगे देखो, इन हुज मुगल कोर्ट कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इंडिया, बोलता है
34 में कि कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल दरबार में आया था। 34th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, जहांगीर, क्या हो जाएगा जहांगीर, 34 का सेकेंड नंबर। चलिए 35 में देखिए, व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और ये आ गया डायरेक्ट। 35 का 3 हो जाएगा 1931। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। आप लोग याद कीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और साथ ही साथ ये भी बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन जो है कि किसने करवाया, किसने लीड किया नेतृत्व, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये बोला हुआ बताया हुआ क्वेश्चन आप लोग आ गया है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके आए होंगे, 36 का मेरठ से हुआ था, सभी को मैंने आज बताया था और वही क्वेश्चन यहाँ पर डेटो देखने को मिल गया। चलिए 37th नंबर क्वेश्चन देखिए, नैनगार, है ना, नैनार सेंट एपोरशिप बोलते हैं, नैनार संत किसी पूजा करते थे। 37 का आपका फर्स्ट हो जाएगा शिव की, किसकी, शिव की। चलिए 38 में देखिए, दांडी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, बोलता है दांडी किस स्टेट में स्थित है। 38 का क्या हो जाएगा 3 गुजरात, ये आप लोगों सभी को पढ़े होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि जजिया कर किससे लिया जाता था, तो ये क्वेश्चन आसान है, तो क्या हो जाएगा 39 का 4 हो जाएगा धम्मियों से, किससे, धम्मियों से, है ना, जो भी अलग मतलब कि रहते थे धर्म के उनसे लिया जाता था। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा 40 का खारवेल से। तीसरा से देखिए 40 के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसलिए मैं जो मॉडल पेपर करवाता हूँ उनको जरूर कर लिया कीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लोग के लिए, बाकी जो भी एग्जाम होने वाला उसका आंसर करवा देते हैं।